मैं उन लोगों को सलाम करता हूँ जो लोग ये तय करते हैं कि हमारा एजेंडा क्या है, हमारा आदर्श क्या है, और वो उस पर काम करना चाहते हैं। कम से कम वो साफ तो हैं। मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं उन लोगों जैसा बनने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा जो आपको एक ऐसा बेईमान बनाना चाहते हैं जो सुविधा के हिसाब से आपको अपना ईमान चुनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जो अभी हम लोग कह रहे थे ना, पोलराइजेशन हो गया है मीडिया का, वो सचमुच हुआ है। सत्ता के खिलाफ बोलता हूँ, क्योंकि सत्ता हमेशा लोगों को शोषण के तरीकों पर काम करना और जीना, इन दो तरह की व्यवस्थाओं को बनाने की आदि रही है। लेकिन आप देखते हैं कि कुछ लोग जो लगातार पिछले कई सालों से सत्ता में थे, जिनकी तीन तीन पीढ़ियों ने इंटेलेक्चुअलिज्म तक को ओपिनियन माफिया में बदल दिया, वो ओपिनियन माफिया अगर ये तय करे कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या, तो जवाब में छोटे छोटे जो गिरोह पैदा होंगे उनको आप दोष नहीं दे सकते। और सारे लोग जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ब्रांडिंग के बाद हो रही मिंटिंग से फायदा उठाना चाहते हैं, तब आपके दिमाग में ये बात खत्म हो जाती है कि आदर्श क्या और अनादर्श क्या है। सबसे आसान काम है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम लेना, लेकिन उसके साथ मिंटिंग करना, उससे पैसा बनाना, उसका टकसाल निकालना और उससे अपनी शक्ति अर्जित करना सबसे खतरनाक काम है। वही काम है जो एक घोर दक्षिणपंथी करेगा, वही काम जो एक घोर वामपंथी करेगा। थे कि कुछ सवालों के जवाब लोग दार्शनिक तरीके से दिया करते हैं और उसका अर्थ ये होता है कि थोड़ा कोहरा हो तो पहाड़ थोड़ा खूबसूरत लगे, लेकिन बेईमानियाँ थोड़े से कोहरे छंटते से ही बराबर हो जाते हैं। तो कुछ लोग विरोध के लिए जो विद्रोह करते हैं, वो विद्रोह दरअसल उनकी नकाब होता है, वो उनका रोजगार होता है। और उस रोजगार से जब वो जाते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, और फिर वो और विद्रोही हो जाते हैं, वो अल्ट्रा हो जाते हैं।